everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to create this simple yet elegant makeup look for Diwali. This one is specially for teenagers as well as for those crowd jinko bahut zyada makeup karna bilkul pasand nahi hai. Moreover guys, is video mein maine jitne sare products use kiye hai, sare ke sare drugstore products hai. So I hope you will enjoy this video. Before starting the video, I would like to say guys that please take a moment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that whenever I will come up with new content, you will get the notification. Now without further ado, let's get started. Hi everyone, I already prepped my skin guys. So for the primer, I'm going to use this one, Wet n Wild ka primer. Ye matte finish deta hai and it is perfect for oily to combination skin. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. मोरओवर जब आप प्राइमर अप्लाई करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, इसको हल्के तरीके से अप्लाई कीजिएगा. डोंट पुट टू मच ऑफ प्रेशर वाइल अप्लाइंग. फॉर टुडे आई एम गोइंग टू यूज बीबी क्रीम फ्रॉम Pons. I particularly love this product. It goes so well for my skin. अगर आप teenager हो then I would like to suggest guys कि आप foundation मत apply कीजिए. Instead of applying foundation, go for BB cream और CC cream, जो भी आपकी skin को suit करता है. Now आज की इस video में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि sponge से apply करने से, I mean to say एक beauty blender से अगर आप BB cream apply करोगे तो उसका क्या result मिलेगा, और आप अगर अपने finger से अप्लाई करते हो तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा. इफ यू आस्क मी पर्सनली गाइस, सो आई लव टू अप्लाई इवन बीबी क्रीम विद अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर. For lip balm, I'm going to use this one, the basic one from Nivea. Now again, I'm blending it all over my face and neck area. Now moving to the next product, guys. मैं आज एक concealer use करने वाली हूँ. If you're a teenager and you don't have a dark circle, then you can ignore the next product. So this is the one from Makeup Revolution. I'm in the shade C10, and I particularly love this concealer. This is one of my favorite concealer. अगर आप टीनेजर हो और आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है या फिर एक ब्रश नहीं है, कंसीलर ब्रश, तो आप इसको अपने फिंगर टिप्स की मदद से ब्लेंड कर सकते हो. नाउ आफ्टर देन दैट आई एम गोइंग टू बेक माय कंसीलर बाय यूजिंग दिस वन. दिस वन इज़ फ्रॉम फिट मी एंड इट्स वन ऑफ द हाई रेटेड लूज पाउडर इन द इंडियन मार्केट. मैं इस पाउडर को अपने अंडर आई में अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको बेक करने के लिए रख दूँगी. At the meantime, I'm applying it all over my face also. Now next, moving to the eyebrow enhancer. आज मैं Etude House का eyebrow enhancer use करूँगी. This is really affordable and फिलहाल ये मेरा favorite product है after Nykaa का Brochica. So this is very easy to use, और अगर आप teenager हो, आप एक beginner हो, तो मैं इस product को highly recommend करूँगी. एंड जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पहले लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देन फिलअप कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं स्पुली की मदद से ब्रश कर रही हूँ. सो दिस एंड यूजिंग अ ब्रश, आई एम रिमूविंग द एक्स्ट्रा पाउडर जो मैंने बेकिंग के लिए यूज़ किया था. फॉर टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पैलेट फ्रॉम निका के. दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल वन एंड आई एम टेकिंग दिस शेड. आई रियली लाइक दिस शेड. ये बहुत ही एलिगेंट शेड है. ये बिल्कुल भी डार्क नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइक सिल्वर ग्लिटर शेड. मोर ओवर गाइज, अगर आप टीनेजर हो देन यू कैन अप्लाई दिस शेड लाइक मी. आप अपने फिंगर टिप्स की मदद से ये आई शेडो अप्लाई कर सकते हो. आप कोई भी ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करोगे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, अपने फिंगर से ही अप्लाई कीजिए. आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑल ओवर माई आईलेट, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन. दिस वन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गॉर्जियस ब्लैक शिमरी शेड विच आई लव. इसको भी मैं अपने फिंगर टिप्स की मदद से अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत ही हल्के तरीके से अप्लाई कर रही हूँ. एट अ टाइम मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ एंड उसके बाद उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ. तो अगर आप ये पैलेट यूज़ करते हो तो डू फॉलो अप दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एंड इससे मैं एक डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ. सो एज यू कैन सी, इट इज़ गिविंग मी अ लाइट स्मोकी लुक. ज़्यादा डीप या ग्लैम नहीं, बट या लाइट एंड सोबर स्मोकी लुक. गाइज, एज यू कैन सी दैट बहुत ही कम मेहनत में द आई मेकअप इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड फेस्टिव. Like it's perfect. Now moving to my lower lash line, तो मैं यहाँ पर कोई काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ या फिर white eye pencil. Instead of applying these two products, I am taking the same shade and उसको अपने lower lash line में apply कर रही हूँ.
Now for the mascara, I'm recommending this one also and this one. But आज के लिए मैं ये second वाला mascara apply करने वाली हूँ. Moreover, guys, I'm going to apply mascara both my upper and lower lashes. And इस look में मैं ना तो eyeliner use करने वाली हूँ और ना ही काजल use करने वाली हूँ. So it's very important to apply mascara. मैं यहाँ पे दो coat apply कर रही हूँ. Today I'm not going to use any false eyelashes, guys, but if you're a teenager and you're comfortable, then yes, go for it. Moving to the next product, this is Nykaa Matte Molten Lipstick in the shade Blair. I personally love this and this is my second purchase for the same shade. So, aap samajh sakte ho ki mujhe ye shade kitna zyada pasand hai. It's perfect for daytime as well as for nighttime, especially agar aapko deep and dark lipstick pehenna bilkul bhi pasand nahi hai. Moreover, I'm going to apply this lipstick on my cheeks and nose area as blush. And guys, I'm blending this out with the help of my fingertips. Just to show you guys ki if you don't have any beauty blender or a brush to blend it, not to worry, aap isko easily apne fingertips ki madad se blend kar sakte ho. One more thing, guys, I'm not going to contour my skin like my cheeks, my forehead, my nose, my jawline, jo ki main usually glam festive look mein karti hu. So yes, you don't have to worry about that. And main kafi affordable products use ki hu. Sare ke sare links description mein mention kiya hua rahega. If you are interested, you can purchase all these products from Nykaa. And yes, I'm done with my blush. मैं और एक coat अपने lips में apply कर रही हूँ because if you're applying this lipstick, you need to apply minimum 2 to 3 coat. Now moving to the highlighter. So for highlighter, I'm going to use this one. This one is from Maybelline Master Chrome. At first, I thought to apply it using a eyeshadow brush, but it did not blend well. So I switched to the fan brush, which I love to use. This one is from Wet n Wild, and agar aapko brush khareedna hai affordable and achhi quality ka, then I will recommend this one. Wet n Wild ke jitne sare brush hote hai, wo sare ke sare bahut hi achhi quality ke hote hai, and price wise, it's quite reasonable. So I'm applying highlighter on all the high points of my face and also my brow bone mein bhi apply kar rahi hu with the help of my little finger taki aapko dikha saku that if you don't have eyeshadow brush, not to worry guys, your fingers will do the magic. Now moving to the setting spray, I'm going to recommend these two setting spray. Both of them are really nice and affordable. One is from Wet n Wild and the another one is from Flower. Dono ka price near about 600 hai and easily available hota in both Nykaa and Myntra. Now I like Flower because it does have a very beautiful smell, but agar effect ki baat kare to mujhe Wet n Wild ka setting spray comparatively zyada acha lagta hai. So I am done with my makeup, so let me wear accessories and get ready and let me show you the final look. So yes guys, this is the final look which I created. I really hope you enjoyed it, and if so, then please don't forget to like my video, share my video, and abhi tak agar aapne mera channel subscribe nahi kiya, then please do subscribe my channel. Moreover, you can follow me in my Instagram account, Facebook page and all other social media accounts. Sare ke sare links will be mentioned in the description below, so don't forget to check that out. See you soon in my next content. Till then, stay home, stay safe. If you're going out, don't forget to wear a mask and take sanitizer with you. Jaate jaate, aap sabko Diwali ki dher sari shubhkamnaye. I love you guys. Lots of love. Take care.